नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। रामलला के कपाट के लिए 400 किलोग्राम का ताला क्या कभी आपने देखा है? आइए जानते हैं इस ताले का राज। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ हाथ से बने तालों के लिए प्रसिद्ध है। उसी क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग कारीगर ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए 400 किलोग्राम यानी 4 क्विंटल का ताला बनाकर तैयार किया है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ताला माना जा रहा है। राम मंदिर के कपाट अगले साल जनवरी में भक्तों के लिए खुलने की उम्मीद है। भगवान राम के एक भक्त सत्यप्रकाश शर्मा ने दुनिया का सबसे बड़ा ताला अपने हाथ से बनाया है। इसके लिए उन्हें कई महीने तक मेहनत करनी पड़ी। अलीगढ़ के सत्यप्रकाश शर्मा इस साल के अंत में 400 किलो वजन वाले ताले को राम मंदिर के अधिकारियों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों ने कहा है कि हमें देखना होगा कि इस ताले का उपयोग कहां कर सकते हैं। सत्यप्रकाश शर्मा ने कहा है कि उनका परिवार एक सदी से भी ज्यादा समय से हस्त निर्मित ताले बनाने में लगा हुआ है, जबकि वहाँ 45 वर्षों से अधिक समय से अलीगढ़ में ताले बनाने का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी या तालों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। सत्यप्रकाश ने कहा है कि उन्होंने राम मंदिर को ध्यान में रखते हुए 4 फीट की चाबी वाला विशाल ताला बनाकर तैयार किया है। यह 10 फीट ऊंचा, 4.5 फीट चौड़ा और 9.5 इंच मोटा है। इस ताले को इस साल की शुरुआत में हर साल लगने वाली अलीगढ़ प्रदर्शनी में रखा जाएगा। शर्मा ने कहा है कि यह मेरे लिए प्यार का परिश्रम है। सत्यप्रकाश ने बताया है कि यह ताला बनाने में उन्हें लगभग 2 लाख रुपए का खर्च आया है। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए स्वेच्छा से अपनी सेविंग्स लगाई है। उन्होंने कहा है कि चूंकि मैं दशकों से ताला बनाने का व्यवसाय कर रहा हूं, इसीलिए मैंने राम मंदिर के लिए एक विशाल ताला तैयार करने के बारे में सोचा। इसी तरह के खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स।